आज जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश संक्षिप्त सार। इसके बारे में हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश को सभी क्रमवार पढ़ेंगे और जो कुछ भी आपका डाउट हो वह भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण हो सकता है उसको हम लेके चलेंगे। तो अब समय को न जाया करते हुए देखते हैं उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त सार के बारे में। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में किसी और भी विषय के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसका हमें फ्रेम पता होना चाहिए, उसकी एक बेस होता है, उस बेस को पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश को सबसे पहले जानने के लिए उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और कब पड़ा, इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का नामकरण के बारे में बात करेंगे। नामकरण, उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है वो कब और किस समय किस नाम से जाना गया। आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जान रहे हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे और किस समय किस तरह से इसमें परिवर्तन किए गए, तो उसके अनुसार हम जानते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो अस्तित्व की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है वेदों का। किसका आता है मित्रों? वेदों। वेदों में उत्तर प्रदेश या वैदिक ग्रंथों में उत्तर प्रदेश को सबसे पहले महर्षि देश के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? वेदों में उत्तर प्रदेश को महर्षि देश के नाम से जाना गया। क्यों? कारण क्या था? महर्षि देश के ही नाम से जाना गया पहले से। कारण यह था कि जो वेद हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उनकी रचनाएं प्रमुख ऋषियों के द्वारा की गई। जैसे वेदों की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास, के द्वारा वेदों की रचना की जाती है और वेदों की कुल संख्या इसमें दर्शाई जाती है चार। कितनी दर्शाई जाती है? चार। जैसा कि आपने सभी ने पढ़ा होगा उसमें वेदों की संख्या चार है, वो कौन कौन से हैं? एक आपका ऋग्वेद है और एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है, अंतिम जो बचता है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब आपको पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था। कौन सा नाम था? महर्षि देश। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको वैदिक ग्रंथों में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा रचित वैदिक ग्रंथ हैं ऋग्वेद, और ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, इन दोनों में उत्तर प्रदेश को महर्षि देश के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना गया। आगे जैसे ही हम आते हैं तो विभिन्न नामों में अंग्रेजी आधिपत्य आता है। अंग्रेजी आधिपत्य, अंग्रेजी आधिपत्य में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना गया और किस बेस पर जाना गया। तो उत्तर प्रदेश को 1836 में उत्तर प्रदेश को अंग्रेजी आधिपत्य शासन काल में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? उत्तर पश्चिम प्रांत। अब आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश कहते हैं और उत्तर पश्चिम प्रांत, ये बहुत डाउटली क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे ये उत्तर पश्चिम हो गया और आज उत्तर हो गया। यही हमें समझना है, क्योंकि 15वीं
और 16वीं और 17वीं सदी। आपको पता होगा कि 15वीं सदी की बात मैं करूं और 16वीं सदी की बात करूं, सदी का मतलब होता है 100 साल का पूरा ग्राफ, ठीक है। तो 1500 का मतलब हो गया 1400 से 1500 तक का समय। तो इसमें यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, उनमें 16वीं में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और 17वीं में भी हुआ, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है आधिपत्य क्षेत्र किसकी बात करेगा, अंग्रेज़ों की। क्यों? कि अंग्रेज़ों में सबसे ज़्यादा क्षमता अपनी राजनीतिक स्थापित करने की हो चुकी थी। और यहाँ पर 15वीं सदी और 16वीं सदी और 17वीं सदी, ये हमें इसलिए समझना है कि यूरोपीय शक्ति 15वीं सदी में भारत में आए, 16वीं सदी में आए, परंतु कामयाब कौन हुआ, इस क्रम में हम देखेंगे। जैसे ही कि यूरोपीय शक्तियों में ब्रिटिश शक्तियाँ आईं, पुर्तगाली शक्तियाँ आईं, डच शक्तियाँ आईं और फ्रांसीसी शक्तियाँ आईं, ठीक है। तो उसमें से कामयाब राजनीतिक शक्ति स्थापित करने में ब्रिटिश हुए। और उत्तर पश्चिम नाम की बात करेंगे, क्यों रखा गया, तो ब्रिटिश उस समय 1757 और 1764, इन दो वर्षों में ब्रिटिश ने बंगाल क्षेत्र पर युद्ध किए, उसके अंतर्गत कोलकाता प्रमुख सेंटर बनाया। उसके बाद 1757 में जो युद्ध हुआ था उसे आपका कहा गया प्लासी का युद्ध, जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया। किसके द्वारा लड़ा गया? ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और ब्रिटिश कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव था। इन दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें विजित ब्रिटिश हुए, परंतु पूर्ण राजनीतिक शक्ति स्थापित इन्होंने नहीं की, क्योंकि जनता तुरंत आक्रोशित हो जाती, उसी के कारण इन्होंने तुरंत अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित नहीं की। मन बना लिया था पूरी तरह से, और इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, सिराजुद्दौला की जगह पर इसके साथ विश्वासघात करने वाला सेनापति मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। उसके बाद में यही क्रम में नवाब बनते आए और 1764 में एक नवाब बनता है मीर कासिम। वो बहुत योग्य शासक था, ये आप समझते हैं कि मीर कासिम बहुत बहुत योग्य शासक था और बंगाल का नवाब बना। उसके द्वारा ब्रिटिशों के प्रति सब चीज़ों के परिदृश्य में देखा जाए तो वह समझता था कि ब्रिटिशों को हम हटाना पड़ेगा, तभी हम अपने क्षेत्र का विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो 1764 में यह एक निर्णायक युद्ध रहा। किस लिए? इस युद्ध को कहा गया वक्सर का युद्ध। क्या कहा गया? वक्सर का युद्ध, वक्सर का युद्ध। इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पर राज कौन करेगा, ब्रिटिश। कैसे? क्योंकि इस युद्ध में भारत की ओर से भारत की महान शक्तियां तीन, जो अवध से सुजाउद्दौला और मुगल शासक बहादुर, सॉरी मुगल शासक क्या था यार, ध्यान जी तो कन्फ्यूज हो जाता है, सॉरी मोहम्मद शाह द्वितीय, उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों की सही